अलैकुम जी, लुबना रहायत, सारा मुसद्दिक, जफर साहब, मलका लियाकत, सादिया शाद एंड नज़मा कुरैशी हियर। वी कैन स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स नाउ। मैडम सादिया, कैन यू प्लीज टेक इट फॉरवर्ड नाउ। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम ऑल। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान एंड शी मींस वर्क। इट एंड दिस एमओयू मींस अ लॉट फॉर अस बिकॉज इट वॉज अ मच नीडेड थिंग इन आर यूनिवर्सिटी। बिकॉज वी एज यू नो वी आर न्यूली एस्टेब्लिश लाइक 5-6 years ओल्ड यूनिवर्सिटी एंड नाउ वी आर इन दैट फेज दैट आर ग्रेजुएट्स आर गोइंग इन टू लेबर मार्केट एंड गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज एक्चुअली द एप्ट टाइम फॉर अस दैट वी कैन यू नो इंट्रोड्यूस द मेंटोरशिप प्रोग्राम्स एंड द जॉब पोर्टल फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन बी फैसिलिटेटेड व्हेन दे लुक फॉर जॉब्स और इंटर्नशिप्स एंड एक्टिविटीज लाइक दैट। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मैम लुबना भयात हु एक्चुअली टुक दिस इनिशिएटिव एंड रीच आउट टू अस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम ऑनेस्टली वी डिड नॉट नो अबाउट दिस 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 ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप लोगों ने हमें अप्रोच किया एंड देन वी यू नो डू सम रिसर्च, इट वॉज और मैंने खुद पर्सनली जब वो देखा दैट यू हैव ऑल द बिग यूनिवर्सिटीज ऑन योर बोर्ड एंड ऑल द बिग यू नो इंस्टीट्यूशन द एम्प्लॉयर्स विद यू, सो आई एम श्योर दैट दिस अपॉर्चुनिटी वुड लीड आर स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स जिनके लिए नॉर्मली अपॉर्चुनिटीज बड़ी लिमिटेड होती हैं या हमें लगता है कि लिमिटेड हैं, एक्चुअली लिमिटेड इतनी होती नहीं है। सो नाउ आई विल आस्क यू टू यू नो गिव अस सम एलैबोरेट अस अबाउट इट। Thank you very much, Dr. Sadia, and I'm very thankful and honored to be in the on this forum and conducting this online session with you and MOU ceremony. I am in particular indebted and thankful to Dr. Uzma Qureshi. I think her leadership is very visionary. वो एक visionary leader हैं और उनकी team is amazing. और उन्होंने उनको जब हमने पहली बार अप्रोच किया तो शी वॉज वेरी रिसेप्टिव और ऑटोमेटिकली जो है ना, हमारे एक जो थॉट प्रोसेस था वो एक ही मंजिल की जानब जा रहा था। और शी इज वेरी पैशनेट टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी एंड ऑल्सो इन द लाइव्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली इन पर्टिकुलर टू मुल्तान। और इसके अलावा जो है, आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू डॉक्टर मरियम, शी हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव इन द होल प्रोसेस। एंड सादिया, आपका तो रोल मैं क्या कहूँ कि यू आर दी आपने इसको इस जो है सेरेमनी को आज मुमकिन बनाया है। एंड मलिका लियाकत एंड सारा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थोड़ा सा मैं पहले भी हमने एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग में आपको बताया था, बट जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ रीकैप के जो अचीवमेंट्स वर्क है और वो हम आपके साथ ये क्या करना चाहते हैं। बेसिकली वी आर अ जॉब पोर्टल फॉर वुमेन बैक टू वर्क एज वेल एज फ्रेश ग्रेजुएट गर्ल्स। और हमने कोशिश ये की है कि हम इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत रिसेप्टिव हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन की जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज पे। और हम ये चाहते थे कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें एकेडेमिया और प्राइवेट सेक्टर मिलकर जो है वो इस एक सेगमेंट को आगे लेकर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक शुरुआत की है और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि पाकिस्तान की टॉप 25 एकेडेमिया, जिनमें आज आपकी भी यूनिवर्सिटी जो है शामिल है, वो हमारी इस जर्नी का हिस्सा बन रही हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज भी आ रही हैं। हमने एक आपको दो तीन अच्छी खबरें भी सुनानी थी। एक तो ये है कि जो हमारा स्टैटिक पोर्टल है वो विद इन 2 to 3 months इंटरैक्टिव पोर्टल के तौर पर लाइव जा रहा है, जिसमें हम लोग ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हमारी जो फीमेल जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो है वो प्रोफाइल बना सकेंगी और आपकी हम वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकेंगे और आप खुद जो है वो अपनी जॉब्स भी और बाकी जॉब्स भी उस पर डाल सकेंगे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ जो है वो आई थिंक दिस वुड
भी इट इज subcod.co.net टेक्नोलॉजीज में हम बना रहे हैं, विच इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक. और सबसे अच्छी बात है कि बाय एंड ऑफ द ईयर हमारी ऑनलाइन अकेडमी ऑनलाइन चली गई जाएगी वी लर्न के नाम से. तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर पोर्टल. और आपको उस वी लर्न के अंडर हम जो है जो पहला प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं वो है मेंटोरशिप ऑफ 3000 वुमेन इन अ ईयर. उस अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है वो हम लोग शुरू कर देंगे विद इन 2 months टाइम, क्योंकि अभी कोविड है और थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एकेडीमिया भी है, डेल्टा का वेरिएंट आ रहा है. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा फेज जो एक आखिरी मुश्किल भी फेज है कि जिसमें अल्लाह करे कि हम सारे जो है जल्दी जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाए तो और ये गुजर जाए तो और थोड़ा नॉर्मलसी आएगी तो हम आपकी यूनिवर्सिटी में हम वी वॉन्ट के हम बच्चियों को स्टेम सब्जेक्ट्स पे जो है राग़िब करें. और बाकी जो है वो हमारे पास गैर मुल्की मेंटर्स हैं, स्पेशली फुटसी 100 कंपनीज के जो है वो सीईओज हैं, उनके एम्प्लॉयज हैं जिनके एक्सपोजर है इंटरनेशनल कंपनीज में, दे हैव वॉलंटियर टू मेंटोर. हम लोग इंशाल्लाह एक या दो सेशंस जो है आपके बच्चों के साथ करेंगे. स्टेम इज बेसिकली साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि ये वाली वो सेक्टर है कि जो कि बहुत ही जरूरी है, जिसमें हमारी खवातीन की जो इंक्लूजन है वो बहुत कम है. हम चाहते हैं कि बच्चियां उसमें राग़िब हों और उन सब्जेक्ट्स की तरफ आएं, उन डिप्लोमास की तरफ आएं. तो इंशाल्लाह उस पर हम ज्यादा काम करेंगे. इसके अलावा जो है देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, हमारे इंक्यूबेटर है ऑनलाइन जिसमें हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे कि हम आपके साथ आपके इंक्यूबेटर के साथ उसको लिंकअप करें. और अच्छी बात यह है कि हम पैन पाकिस्तान हैं, तो अगर बच्ची जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की, अगर वो लाहौर में है उसको लाहौर में कोई जॉब चाहिए तो वो भी इस पोर्टल के थ्रू जो है वो इम्पावर हो सकती है. इस्लामाबाद जा रही है अगर डिग्री लेके तो वहां पे भी हम जो है, सो आई लुक फॉरवर्ड टू अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी एम्पावरिंग जर्नी जो हम मिलके अपने पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बना और हमारी पाकिस्तान की खवातीन जो का जो तनासब है वो जॉब मार्केट में, एजुकेशन में और पाकिस्तान के GDP में ज्यादा से ज्यादा हो, आपका और हमारा मकसद एक है. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस एंड माई टीम. Me and my team and humans worked on this platform. Thank you, ma'am. Thank you so much for such an elaborative description of all the initiatives, and we are also looking forward to all of these. I would like to invite Dr. Professor Uzma Qureshi to have some words. Thank you so much. Whatever Lubna you were just saying earlier was music to my ears, because I think we are on the same wavelength when it comes to women empowerment. And our university is not just about academic endeavors, it is all about helping women locate themselves well in the society in whichever field they have envisioned themselves to perform. तो ये बहुत एक अच्छा हमें मौका मिल रहा है कि हम ये सब काम मिलके करें. और उसके डॉक्टर साथिया इरशाद हैव ऑल द फेथ इन हर कैपेबिलिटी एंड एक्यूमेन फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. हमारा जो सेंटर फॉर जॉब प्लेसमेंट एंड करियर काउंसलिंग है ये उसके बिल्कुल अलाइंड है विद इट्स विजन एंड मिशन. जी we look forward to working with you and we will lead every step of the way. Thank you so much, and we can now proceed with the signing ceremony so that sure. We can look into other matters that might be waiting for you. I have a MOU in front of me, so Dr. Sabha, if we can together sign it online. This is my first experience of MOU signing online. I'm very excited. So Abhi, it is. यहाँ से ये डबल फोटोग्राफ से ले रहे हैं, ये हम दोनों हैं इसके ऊपर. हमने पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था. Can you take our picture here? Last time we did that. Yes, ma'am. Sure. I have taken the screenshot, ma'am. Screenshot. So, Bismillah. Just fine. Some impressions, Vian. Yeah.
Well, I don't have that link, but I'll definitely pose it later. Dr. Sadia, initial on all pages? Yes, ma'am. Please do your initials on all pages. Please do your initials on all pages, ma'am. Sure. Yeah. We will send our copy to you, and you can send your copy to us. Inshallah, I look forward to personally coming and working with you. Sure, hopefully, ma'am. Very soon. Inshallah. I'm sure it will be a great venture. Inshallah. So this is basically from our side, inshallah. So this has been signed by me, and we'll exchange it via a post. And I digitally present you and exchange. And I hope that... yes. This collaboration will take us to places. Yes, inshallah. No doubt in my mind about it at all. Inshallah. Great. Multan is my mother's native. Pleasure speaking to you. Lovely. Pleasure, yes. Lovely speaking to you. You told us last time, and I'm looking forward to welcome you here with my team. Yes. Inshallah. Inshallah, and with the word of thanks and dua for our country and for the women of our country, that inshallah we all within the leadership of Dr. Sahiba, we make a difference. And especially coming from inshallah. Multan, and Multan is very close to my heart. It's a city I spent a lot of my life and my youth, and I look forward to involving with you guys as soon as possible. I can see the we can hear that sincerity, and we can see that inshallah. On your face, and inshallah. That is the most heartwarming thing about this MOU. We have signed many MOUs, but some are more special than others because of the genuineness and commitment of the people who come reach out to you. And I'm sure that it will be a great success under your leadership. And for many years to come, our university will definitely stand among the crowd. Inshallah, Ta'ala, I know that they will stand out in the crowd, and they will do. Our students will definitely do very well in their specific chosen fields. Thank you very much, madam. Thank you very much. For my team and myself. Khuda hafiz, thank Pakistan. You. I would take this opportunity to thank my team as well. Khuda hafiz. Thank you so much, everybody. Thank you. Allah hafiz. Pakistan Zindabad. Allah hafiz.